आयुक्त राधा कृष्ण बी द्वारा 7 मार्च तक के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए थे, किंतु अब लॉकडाउन की समय विधि 14 मार्च तक के लिए बढ़ाने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई। लोगों की भीड़ को देखते हुए मनपा आयुक्त राधा कृष्ण बी ने सरकारी अस्पतालों में भी रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन शुरू रखने का फैसला लिया, जिसके लिए संबंधितों को निर्देश जारी किए गए। अजनी मेट्रो स्टेशन से शुरू डबल डेकर ओवर ब्रिज पर हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला गार्ड की मौत हो गई। तड़के हुई दुर्घटना में गार्ड अपने दोपहिया वाहन के साथ बैरिकेड से भिड़ गई और इसमें लगी रस्सी में फंसकर गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। मनपा के प्रवर्तन विभाग की ओर से अभियान के तहत कुल 227 अतिक्रमणों का सफाया किया गया, साथ ही 3 ट्रक सामान भी जब्त किया गया। पिछले 24 घंटे के भीतर 1393 लोग संक्रमित हो गए, वहीं 9 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टरों की माने तो संक्रमण के तेजी से फैलने की एक वजह होम आइसोलेशन भी है। खेती के फेरफार का पंजीयन करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगकर उसे स्वीकारने की तैयारी में एक पटवारी एंटी करप्शन ब्यूरो की शिकंजे में फंस गया। यह कार्रवाई कलमेश्वर तहसील के तेलकामटी परिसर में की गई। जिले के ग्रामीण भागों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली 4 और पीएचसी जल्द ही शुरू होने वाली है। एनपीएचसी की नई इमारतें तैयार है और लगने वाले स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जिले में कोरोना के संदर्भ में जन जागृति करने के लिए जिला सूचना कार्यालय द्वारा तैयार किए गए 4 डिजिटल चित्र रथों को जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को जोन 3 के तहत मोमिनपुरा परिसर में नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यशोधरा नगर पुलिस ने घातक हथियार लेकर हंगामा कर रहे युवक को धर दबोचा। आरोपी का नाम अरमान नियाजुद्दीन सिद्दीकी है।